हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हो टेक बॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पांच थीम बताऊंगा, जिसमें से दोस्तों एक MIUI 12 का भी थीम है और एक iOS 13 का भी थीम है। तो वो मैं पांच थीम के बारे में बात करूंगा दोस्तों, जो इस तरह से है, आपको दिखा देते हैं स्क्रीन में। तो ये पाँच थीम है जो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, और एक खास चीज़ आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये मैंने स्क्रीन लॉक किया है दोस्तों, अभी ब्लैक हो गया होगा, और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मेरा Redmi Note 5 Pro में दोस्तों ऑन हो चुका है। तो ये कैसे हुआ है, अगर ये वीडियो आपको चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे ऑन किया हुआ। मेरा वॉलपेपर है वो इस तरह से है, देखिए आपको दिखा देते हैं, ये वाला है ठीक है, और वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले था। तो चलिए एक थीम के बारे में बात करते हैं, इसमें से कुछ थीम जो है एनिमेशन वगैरह है। तो चलिए बात करते हैं पहले दोस्तों सड़ेला थीम की। तो ये सड़ेला थीम है दोस्तों, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, मुझे बस खास जो लगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस थीम में मुझे जो खास लगा वो इसका ग्राफिक वगैरह थोड़ा अच्छा लगा दोस्तों देखने में, वॉलपेपर वगैरह ज़बरदस्त लगा, थोड़ा अलग टाइप का लुक लगा दोस्तों देखने में। बात करते हैं डायल लैप की, तो डायल पैड देखिए दोस्तों इस तरह से जो है काफ़ी ज़बरदस्त लगता है देखने में, डायल भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ नोटिफिकेशन बार के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से दिखेगा दोस्तों ये, और बात करते हैं इधर तो इस तरह से दिखेगा ये। पीछे का आप देखते हैं मूव कर रहा है जो बहुत गजब का लग रहा है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके लॉक स्क्रीन की, लॉक स्क्रीन किस तरह का है दोस्तों। तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह का है। चलिए नेक्स्ट थीम के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा पकाएंगे नहीं। तो नेक्स्ट थीम जो है दोस्तों इस तरह से है, आपको दिखा देते हैं, ओपन कर लेने दीजिए, ये ओपन हो रहा है। और ये वाला जो है दोस्तों ये थोड़ा बड़ा थीम है, 78 MB का है, लेकिन दोस्तों मुझे ये बहुत ही स्मूथली लग रहा है चलाने में दोस्तों। तो ये इसको इंस्टॉल कर लेता है और आपको दिखाते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज कर देगा आपका ग्राफिक वगैरह को कि किस तरह से दोस्तों ये चलेगा। 78 MB का थीम है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये इंस्टॉल होने के बाद काफ़ी लाइट वेट हो जाता है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन में ये इंस्टॉल हो रहा है। मेरा थोड़ा डिवाइस जो है Redmi Note 5 Pro थोड़ा पुराना हो गया, और आपको सेटिंग में ले जाके दिखा देते हैं कि Redmi Note 5 Pro ही है, दूसरा मॉडल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस मॉडल Redmi Note 5 Pro, और इसमें एम्बियंट डिस्प्ले मैं ऑन कर चुका हूँ दोस्तों। सब थीम का नाम आपको दिखता होगा जब मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ देखने को लगेगा दोस्तों। ये डायलॉग वगैरह इसका ओपन करके देख लेते हैं कि डायलॉग वगैरह कैसा दिखता है दोस्तों। तो डायलॉग वगैरह कुछ इस तरह से है, देख लीजिए, जो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों देखने में। बात करते हैं दोस्तों और नोटिफिकेशन बार की, तो नोटिफिकेशन बार इस तरह से छोटा सा हो जाता है, जो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है दोस्तों। बात करते हैं लॉक स्क्रीन के, लॉक स्क्रीन किस तरह का है, तो लॉक स्क्रीन देखो दोस्तों इस तरह से है देखने में, ये अलग लगेगा, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है, सीधा सा है, सिंपल सा है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थीम के बारे में, ये भी हमको काफ़ी थीम ज़बरदस्त लगा। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नाम तो दिया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखाया जा रहा है कि किस तरह करना है, तो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब iOS थीम के बारे में। तो ये है दोस्तों iOS 13.5 बीटा, ये ऊपर में थीम का नाम दोस्तों लिखा रहा है, सारा थीम का नाम जो चाहिए आप टाइप करिए और आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये Redmi के थीम स्टोर में जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो चलिए ले ये थीम के बारे में बात करते हैं कि ये थीम किस तरह का है। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया दोस्त, थोड़ा देर में ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये अप्लाई हो चुका है दोस्तों, अब चलते हैं ये थीम कैसा दिखता है दोस्तों। ये थीम कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये वाला जो चीज़ ऊपर में देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम आपके एरिया बताएगा दोस्तों किस तरह का है। और यहाँ पर ये वाला चलेगा अभी, वो भी एनिमेशन करेगा। तो देखिए जो सन है एनिमेट कर रहा है दोस्तों, जो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये डायलॉग वगैरह चलते हैं तो iOS लुक में है या नहीं, तो जी हाँ दोस्तों ये iOS लुक में है, देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। ऊपर में नोटिफिकेशन बार जो है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, नोटिफिकेशन बार वगैरह डायलॉग वगैरह आप देख सकते हैं नीचे का, बहुत ही ज़बरदस्त ही लग रहा है दोस्तों। ये बात करते हैं ये और इसमें और क्या है दोस्तों, तो ये लॉक स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। तो लॉक स्क्रीन में क्या है, लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ से कुछ नहीं, स्वाइप अप करेंगे, स्वाइप डाउन करेंगे, हल्का सा ऐसे टानेंगे दोस्तों तो ये अपना इसका सेटिंग खुल जाएगा, जहाँ से दोस्तों टॉर्च वगैरह ये सब जला सकते हैं,
मल्टी स्क्रीन, बहुत सारा चूज कर सकते हैं, नेट चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, म्यूज़िक चला सकते हैं, सारा काम दोस्तों यहाँ से आप कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। उसका अभी हम चार्जिंग डालेंगे तो ये किस तरह का एनिमेशन लेगा, ये तो अपना मिया यूआई का एनिमेशन आपको दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में तो इस तरह से बैटरी का परसेंटेज बढ़ता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों, जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है इस थीम में। तो इस थीम में है दोस्तों इतना ही, चलिए नेक्स्ट थीम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट थीम में क्या है दोस्तों, चार्जिंग हम निकाल दिए, चार्जिंग लगा के दिखाएंगे। अब नेक्स्ट थीम बंद दोस्तों ये वाला भाई ये है, ये वाला को करते हैं दोस्तों स्पेस ब्लू, इसका नाम है, इसको अप्लाई कर लीजिए। ये थीम हमको थोड़ा ज़बरदस्त लगा दोस्तों। ये थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका मोबाइल थोड़ा बड़ा हो गया, स्क्रीन वगैरह बड़ा हो गया, इस तरह से आपको फील कराएगा दोस्तों ये। और थोड़ा एनिमेशन वगैरह है दोस्तों इसका लॉक स्क्रीन वगैरह में, जो काफ़ी ज़बरदस्त इसको बनाता है। तो चलिए बात करते हैं, ये हो चुका है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा बड़ा लग रहा है हमको देखने में दोस्तों। आपको लग रहा है या नहीं आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। और इस तरह से कुछ लगेगा जो काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी कूल लगता है दोस्तों। चलिए पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन बार की, तो नोटिफिकेशन बार कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अगर आप कलर वॉइस वगैरह चलाएँ हैं तो आपको ये पता चलेगा। और दोस्तों डायल पैड के बारे में बात करते हैं, डायल पैड कैसा है दोस्तों, तो डायल पैड पहले ही वाला है, नॉर्मल सा है दोस्तों। और एनिमेशन के बारे में जो बात कर रहे हैं तो चलिए पहले देख लेते हैं कि स्क्रीन में एनिमेशन हो रहा है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्लॉक वगैरह यहाँ पर चल रहा है, आपको दिखता होगा दोस्तों। और ये मेरा कंपास वगैरह भी मूव कर रहा है, तो ठीक है। चलिए लॉक स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, तो लॉक स्क्रीन में कुछ काम कर रहा है, तो लॉक स्क्रीन दोस्तों इस तरह से है, जो काफ़ी ज़बरदस्त एनिमेशन कर रहा है। अब इसको चार्जिंग पोर्ट डालते हैं, इसमें चार्जिंग पोर्ट डालने के बाद दोस्तों ये किस तरह का काम करता है वो भी देख लेते हैं। तो ये मैंने चार्जिंग पोर्ट डाल दिया दोस्तों, ये अपना वाला पुराना वाला तो ले लिया दोस्तों। अब देखते हैं कि इसमें ये वाला कैसा ले रहा, तो देखिए इस तरह से चार्जिंग ले रहा है, जो काफ़ी कूल डिज़ाइन लग रहा है दोस्तों ये। हाँ, साइड से अगर रसाएंगे दोस्तों तो इस तरह से नोटिफिकेशन इसका मिलेगा, छोटा छोटा जो चीज़ है, टॉर्च वगैरह यहाँ से चला सकते हैं, कैलकुलेटर रिकॉर्डिंग वगैरह खोल सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों ये काम कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मिया यूआई 12 के थीम की। तो दोस्तों ये है मिया यूआई 12 दोस्तों आप ये वाला जो थीम है मिया यूआई 12 का, तो इसे अप्लाई करते हैं, दिखाते हैं आपको स्क्रीन में कि ये किस तरह का थीम और कैसा थीम है, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो दोस्तों थीम अप्लाई हो चुका है, चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं कि किस तरह का। दोस्तों यहाँ पर थीम अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं मिया यूआई 12 का अपना लेटेस्ट थीम दोस्तों। ये आइकन वगैरह सब कुछ सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया है दोस्तों, और काफ़ी कूल डिज़ाइन का लगता है। आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन बार किस तरह से दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, और पीछे का जो भी है दोस्तों, जो भी आप खोलेंगे उस ऐप के हिसाब से दोस्तों ये अपना कलर सेट करेगा। जैसे गैलरी हम खोलते हैं तो ये गैलरी में है दोस्तों, ठीक है। तो गैलरी का भी दिखा रहा है आपको कि किस तरह से है, चलिए दिखाते हैं दोस्तों। तो वाइट है तो आपको वाइट शो कर रहा है, तो इस तरह से कुछ होगा दोस्तों। डायल पैड के बारे में बात करते हैं, तो डायल पैड वगैरह भी थोड़ा नॉर्मल सा है, थोड़ा सा चेंज हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बात करते हैं नोटिफिकेशन बार की, तो नोटिफिकेशन बार आपको देखिए दोस्तों इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और पीछे का दोस्तों एनिमेशन वगैरह तो आप तो देख ही रहे कि किस तरह का है। लॉक स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, तो लॉक स्क्रीन दोस्तों नॉर्मल सा है अपना, इसमें कुछ उतना खास नहीं है, नॉर्मल सा है दोस्तों। लॉक स्क्रीन खाली दिख रहा है वो लोग, तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है मिया यूआई 12 का दोस्तों थीम है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये चीज़ को ऑन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और एम्बियंट डिस्प्ले के बारे में मैंने बात किया है, तो उस पर आप कमेंट करिए कि वो वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, टाइम है माना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का वीडियो हम आपको देते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।